हेलो मेरे प्यारे मित्रों आप समझ गए होंगे मेरे ये वाक्य बोल के कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ येस आई एम गोइंग टू बेसिकली अपडेट यू अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी स्पीच टुडे एट पी एम एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस स्पीच कि वो क्या बोलने वाले हैं लॉकडाउन फेज़ थ्री कम्प्लीट होने वाले है ऑफ मे को एंड वी वेटिंग फॉर सम एक्साइटमेंट एज ऑलवेज यू नो एट पी एम को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है हमारे देश में वन मोदी जी स्पेशली कम्स सो इन दिस वीडियो एम बेसिकली आपको मैं आपको पूरा अपडेट दे देता हूँ कि मोदी जी ने आज के स्पीच में क्या बोला एंड बहुत ही अच्छा बात उन्होंने बोला यू शुड बी नोइंग दिस सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट जो मोदी जी ने बोला वो है कि लॉकडाउन नंबर फोर विल बी अनाउंसड बाई दी गोवर्मेंट बिफोर एटींथ ऑफ मे वंस ही हैज़ मेड अ फुल डिस्कशन विद द स्टेट्स एंड दैट विल कम विद अ डिटेल सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स तो येस इस बात को तो हम uh, समझ गए कि लॉकडाउन फोर भी आएगा बट इट विल कम इन अ डिफरेंट फॉर्म इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस दैट वी नीड टू वेट कि वो किस तरीके से आता है किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है and uh, this will be definitely agreed by all the states with the center as you all must be knowing that onki meetings hoti chief minister ke so that will definitely come up with uh, very soon before 18th of may second he has told uh, he has announced a economic package ऑफ़ रुपीज ट्वेंटी लैख करोड़ ये कोई नया बात नहीं है कि ट्वेंटी लाख करोड़ नया ही हैज बेसिकली सेट ही हैज अनाउंसड लाइक इंडिया गवर्नमेंट हैज अनाउंस टोटल रुपीज ट्वेंटी लैख करोड़ पैकेज दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच विच कंट्री हैज डन टिल डेट टूवर्ड्स दिस पैंडमिक दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द इनिशियल पैकेज अनाउंसड बाई फाइनेंस मिनिस्टर इंक्लूड्स रिलैक्सेशन गिवन बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस द अडिशनल economic package the financial package which our finance minister nirmala Sitaramanji ji is going to announce in the next two days that is from tomorrow he has said that through press conference she will be announcing some packages and दिस पैकेज विल भी डेफिनेटली बेस्ड ऑन लेबर लिक्विडिटी एंड लॉस सो ये तीन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए पैकेज अनाउंस होगा एंड आई एम ईगरली वेटिंग फॉर दिस पैकेज एंड आई डेफिनेटली अपडेट यू वंस दिस पैकेज कम्स कि वो क्या पैकेज प्या होगा क्या रिलीफ आपको मिल सकते डेफिनेटली एज अ टीचर आई हैव सीन दैट जब इस तरीके से सरकमस्टांसिस आते हैं पैंडेमिक हो हुआ है तो डेफिनेटली देर हैज टू बी सर्टन चेंजेस इन लॉज टैक्स लॉज इकोनॉमिक लॉज फाइनेंशियल लॉज हो सकता है कुछ टैक्स की रिबेट्स मिले रिलीफ्स मिले हो सकता है कुछ टैक्सेस का कम हो सकता है कोई डिस्प्यूटमेंट स्कीम्स आएँ सो वी कैन एक्सपेक्ट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट साइड देन वॉट द मेन पार्ट ऑफ द स्पीच वॉज द मेन पार्ट ऑफ द स्पीच विच आई थिंक वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट वॉज आत्मनिर्भर भारत मोदी जी हैज़ very much uh, you know focused on this three words that is self dependent nation he has focused on this point that you know corona is not a temporary thing it is definitely going to be a long 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 journey for the entire country for the entire world as a whole so you know we should not गिव और वी शुड नॉट कीप आवर ग्रोथ हेंड्रेंड हमें हमारा ग्रोथ के टवर्ड्स भी सोचना चाहिए खाली कोरोना की वजह से हम ऐसा नहीं है कि हम घर पर बैठे बंद रहे हमें हमें ग्रोथ के बारे में भी सोचना चाहिए एंड दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स अस टू यू नो स्ट्रेस ऑन दिस थ्री वर्ड्स दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत एंड इसके लिए उन्होंने फाइव पैरामीटर्स भी हमें बताया है वो पहला पैरामीटर है दैट वी शुड गो फॉर अ क्वान्टम जम्प एंड नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस कि वी शुड डू सम सिग्निफिकेंट चेंज एंड इंक्रीमेंटल चेंज के बजाय हमें क्वान्टम जम्प पर फोकस करना चाहिए वी शुड एम फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन रिफ्लेक्ट द न्यू इंडिया एज यू ऑलमस्ट बी नोइंग दैट इट इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिविन टेक्निक्स के बारे में वो बात कर रहे हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है एवरी थिंग कैन बी डन थ्रू टेक्नोलॉजी सो वी शुड एम फॉर अ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिविन सिस्टम्स अ वाइब्रेंट डेमोग्राफी एज यूल मस्ट बी नोइंगट इंडिया हैविंग ऑलमोस्ट वन थर्टी करोड़ पॉपुलेशन सो इंडिया इंडिया इज हैविंग अ वाइब्रेंट डेमोग्राफी ओके यूथ पॉपुलेशन मैनी यंग माइंड्स आर देयर सो दैट्स द फोर्थ पिलर एंड द लास्ट पिलर इज द इंक्रीजिंग डिमांड इन द कंट्री सो ये फाइव पिलर्स के बारे में मोदी जी ने बताया एंड मुझे पर्सनली एक बात बहुत अच्छा लगा उनके स्पीच में जो मैं आपको पढ़वाना पढ़ाना चाहता हूँ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस ऑन दी वर्ड लोकल ठीक है नो हमारे दिमाग में ये चीज यू नो फिट किया गया है कि वॉट एवर वी टेक वी टेक ग्लोबल हम कोई हम ग्लोबलाइजेशन के एरा में रहते हैं तो हम ब्रांड्स भी यूज़ करते तो टॉप ब्रांड यूज करते हम लोकल ब्रांड यूज नहीं करते सो so, कहीं ना कहीं मेरा उनका मेरे को लग रहा था कि यू नो डेफिनेटली उनका ये था कि वी शुड डेफिनेटली यूज़ इंडियन प्रोडक्ट्स एंड वी शुड इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू मार्केट्स वी शुड बाई इंडियन प्रोडक्ट्स लाइक उन्होंने खादी का भी एग्जाम्पल इंग्जाम, लिया था कि खादी को प्रमोट किया गया तो खादी भी आज के डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई हैंडलूम इंडस्ट्री बन गई

दैम ग्लोबल सो दिस वॉज ऑल विच ही अनाउंसड टूडे सो इम्पॉर्टेंट अपडेट यह है कि लॉकडाउन फोर हो सकता है सो so मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू प्लीज़ प्लीज़ यू नो डोंट थिंक दैट कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही मैं कुछ करूँगा आप ये सोचिए कि इसी तरीके से लाइफ आपका आगे बढ़ेगा बट यू हैव डोंट हैव टू यू नो स्टॉप योर ग्रोथ यू शूड थिंक अबाउट यूर ग्रोथ यू शूड थिंक वॉट वर्क पोटेंशियल यू कैन डू बेटर एंड डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट taking looking for more work so this is all what i want you to uh, just stay focused in thank you so much for seeing my video and please share this video with most of your other uh, uh, other uh, viewers which you think would be uh, up updated with thank you so much take care bye bye